मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक नया प्रयास, एक नए मिशन की स्टार्टिंग के लिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पानी की भी वहाँ बहुत बड़ी समस्या है, मैंने देखा है। रास्ते भी वहाँ ऐसे हैं, कच्ची रास्ताएं पड़ी हुई हैं, पानी निकासी के लिए कोई नाली की व्यवस्था नहीं है। वहाँ युवाओं के लिए सबसे पहले तो मैं स्टेडियम या मिनी स्टेडियम के लिए प्रयास करूँगा और रोज़गार के लिए यहाँ से लेकर विधानसभा तक मैं लड़ाई लड़ूँगा। निश्चित तौर पर अगर वहाँ की जनता आशीर्वाद देती है, हर संभव मदद करूँगा। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। दरअसल लगातार हमारी कोशिश है कि आगरा के हर विधानसभा में जाकर वहां के समस्याओं को समझना, जनता के मिजाज को समझना और प्रत्याशी के मूड को भी समझना। और इस वक्त खैरागढ़ विधानसभा से लोकदल के प्रत्याशी ठाकुर रोहतान सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी अभी नॉमिनेशन करके बाहर निकले हैं। उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार किन किन मुद्दों के आधार पर ये जनता के बीच जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं सबसे पहले राष्ट्रीय नेता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ प्रत्याशी के रूप में आशीर्वाद देकर भेजा है। और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि वहाँ किसानों की स्थिति को देखते हुए 24 घंटे किसान खेत पर रहता है। आवारा पशुओं की बहुत बड़ी दिक्कत है। सबसे पहले मैं आवारा पशुओं के लिए, अगर वहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, निश्चित तौर पर उसका निदान कराऊँगा। जी, आवारा पशु को लेकर जहाँ भी जा रहे हैं किसान, यही मेन जो समस्या है बता रहे हैं। इसके अलावा पानी की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे? सब पानी की भी वहाँ बहुत बड़ी समस्या है, मैंने देखा है। रास्ते भी वहाँ ऐसे हैं, कच्ची रास्ताएँ पड़ी हुई हैं, पानी निकासी के लिए कोई नाली की व्यवस्था नहीं है। तो जैसे ही अगर वहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद दे दिया, निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले मैं विकास कार्य कराने के लिए तत्पर प्रयास करूँगा। दरअसल अभी जो राजनीति चल रही है, आप देख रहे होंगे कि पूरे देश भर में पोलराइजेशन की राजनीति होती है। आपकी जो पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, किसानों से उपजी हुई पार्टी है, इनका अपना एक इतिहास रहा है। क्या लगता है आपको कि समाज को किस तरीके की राजनीति की जरूरत है, आप जैसे युवा जब क्षेत्र में आते हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा पत्र में किसानों के लिए कई साधन दिए हैं और हमारी माननीय अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा भी किया, ये भी घोषणा पत्र में है। निश्चित तौर पे अगर हमारी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की सरकार आती है तो निश्चित तौर पे प्रत्येक आदमी को फायदा मिलेगा। एक आखिरी सवाल, आगरा एक औद्योगिक हब रहा है, आप खैरागढ़ काफ़ी दूरवर्ती इलाका है, देहात इलाका है, वहाँ पर स्थितियाँ भी ख़राब है और वकील से लेकर सामाजिक स्तर के लोग सब समस्याओं में डूबे हुए हैं। मुझे लगता है कि आप एक युवा हैं, आपके अंदर आपने क्या विचार किया है, अगर आप जीतते हैं या पॉलिटिकली राजनीति में बदलाव को लेकर आप क्या कुछ करना चाहेंगे? वहाँ युवाओं के लिए सबसे पहले तो मैं स्टेडियम या मिनी स्टेडियम के लिए प्रयास करूँगा और रोज़गार के लिए यहाँ से लेकर विधानसभा तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। निश्चित तौर पर अगर वहाँ की जनता आशीर्वाद देती है, हर संभव मदद करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि समाज में बदलाव, लगातार समाज बदलाव की ओर बढ़ रहा है, खासकर युवाओं को मौका मिल रहा है और इस बार प्रत्याशियों की जो संख्या है, अधिक से अधिक हम देख रहे हैं कि जो टिकट दिए गए हैं वो बहुत ही सोच समझकर शिक्षित और युवा प्रत्याशियों को, और ऐसे में अब जनता डिसाइड करेगी कि आखिरकार उन्हें चुनना किसको है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी बातें भी रखें। धन्यवाद।